रंग दे बसंती चोला मेरी माए, रंग दे बसंती चोला। इस चोले को पहन के निकला ये मस्तों का टोला, चोला माए रंग दे बसंती चोला। बहुत ही आज मन गदगद हो रहा है आप लोगों को यहां देखकर। ये युवा शक्ति हमारे देश का भविष्य, इस भविष्य को सामने देखकर मुझे लगता है कि हमारे देश का भविष्य बहुत उज्जवल है। क्योंकि आज का युवा यही हमारे देश का कर्णधार है। इस युवा ने इस देश की आजादी की, यदि याद करें तो इस देश की आजादी को प्राप्त करने के लिए बलिदानियों के जत्थे के रूप में, क्रांतिकारियों के जत्थे के रूप में एक से एक आगे बढ़ने की होड़ को लेकर के जो उस समय काम किया, जिसके कारण से हमको आजादी मिली, आज अगर हम सब लोग खुली हवा में आजादी की सांस ले रहे हैं तो ये मेरी युवा शक्ति है जिसका सारा श्रेय उसको जाता है। सामने ये बसंती रंग की पगड़ियां मैं देख रहा हूं तो याद आ रहा है वो गाना कि रंग दे, एक बार बोल के दिखाएंगे, रंग दे बसंती चोला मेरी माए, रंग दे बसंती चोला। इस चोले को पहन के निकला ये मस्तों का टोला, चोला माए रंग दे बसंती चोला। ये बसंती चोला, ये बलिदान का चोला, जब भी जरूरत पड़ी है हमारा ये युवा ये आगे आया है, चाहे वो देश की रक्षा करने की बात हो, चाहे वो समाज के नाते से किसी भी प्रकार के आंदोलन करने की बात हो, ये युवा हमेशा आगे रहा है। और फिर हरियाणा का युवा राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ के आज भी बड़ी संख्या में इस देश की सुरक्षा करने में देश के बॉर्डर पर लगा हुआ है। हमारा हरियाणा की जनसंख्या का अनुपात देश का केवल 2% है, सिर्फ 2%। हमारी आबादी 2.5 करोड़ है, देश की आबादी 225 करोड़ है। लेकिन जब देश की सेनाओं का, देश की जो हमारी डिफेंस फोर्सेस का अनुपात लगाया जाए तो हरियाणा का हिसाब आता है 10% आता, मित्रों 10%। हम इस देश की सेवा अपनी आबादी से भी, हमारे जो अनुपात उससे 4 गुना आगे बढ़कर के हम कर रहे हैं।